चैप्टर लिखिए मेंसुरेशन, मेंसुरेशन प्रैक्टिस से 7.3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर वन से हाउ मेनी क्वेश्चन सॉल्व? नाइन क्वेश्चन कंप्लीटेड, एट इज आल्सो कंप्लीटेड। संतनु आयुष यू आर कंप्लीटेड? सर नो। विच क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीटेड? इलेवन थोड़ा होमवर्क नाइन्थ एट नाइन टेंथ इज कंप्लीटेड प्रणव? टेन का थर्ड नहीं आया। ओके, आपका सर्वर इज योर ऑल इज कंप्लीटेड टेन तक। ओके, सेवन इज कंप्लीटेड, एट नाइन टेन इज नॉट कंप्लीटेड। तो आइए क्वेश्चन नंबर टेन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन, क्या क्वेश्चन नंबर टेन? रेडियस ऑफ अ सेक्टर। क्वेश्चन नंबर टेन, रेडियस ऑफ द सेक्टर इज 7 सेंटीमीटर। चलिए, रेडियस ऑफ द सेक्टर, रेडियस ऑफ सेक्टर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर इफ द मेजर ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर, इफ द मेजर ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर इज। ओके, तो फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। इफ द मेजर ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर इज, तो डिग्री सेंट्रल एंगल दिया है ना सर? ओके, एंड थ्री राइट एंगल, मतलब 270 डिग्री। थ्री राइट एंगल में 270 डिग्री, सही तो है? तो क्या प्रॉब्लम है? थ्री राइट एंगल मतलब 270 डिग्री, थ्री इंटू 90 करना है। यहाँ पर सेकेंड थर्ड केस है, थ्री राइट एंगल्स, थ्री राइट एंगल्स। ओके, तो थ्री राइट एंगल मीन्स 3 × 90 इक्वल टू 270 डिग्री। थ्री राइट एंगल मीन्स 270 डिग्री। तो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या होगा? थीटा अपॉन एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर। ओके, थीटा इंटू 360 पाई आर स्क्वायर, और वेयर थीटा इक्वल टू, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा एंड आर, सो थीटा इक्वल टू 270 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22 अपॉन 7, 360 डिग्री इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर, में 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और ये थ्री हो गया और ये फोर हो गया, और यहाँ से टू हो गया, यहाँ से 11 हो गया, तो कितना है? 77 × 3/2, तो ये कितना हो गया? 23 × 231/2 डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 115.5 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। वो 7 ही नहीं देते। तो थ्री राइट एंगल मींस 270 डिग्री, थ्री राइट एंगल मींस 270 डिग्री। तो बहुत सिंपल था, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन वन, ऑल स्टूडेंट प्लीज नोटिस दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। प्रेम आपका हो गया, यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सर ये कर दिया, क्वेश्चन नंबर थ्री,
क्वेश्चन नंबर थ्री पर नहीं, क्वेश्चन नंबर वन और टू हो गए थे, थ्री पर का हुआ था। ओके हाँ सॉल्व करते हैं, पहले इसको नोट करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इसका इसका ये करना है ना, मतलब पहले रेक्टेंगल का पूरा एरिया लेना है okay. और फिर उनके तीनों के एरिया को माइनस करना है। क्या क्वेश्चन में पूछा हमें देखूंगा तब तो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखेंगे तब तो। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इन ए फिगर राइट एंगल पी क्यू आर एस इज ए राइट एंगल इफ पी क्यू इक्वल टू 14 सेंटीमीटर क्यू आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो आपका एरिया निकालना है एक्स वाई जेड का, तो अभी फिगर बना देते हैं इसको। ऑल ऑल स्टूडेंट नोटेड ओके पहले से नोट कर लिए। चलिए तो पहले मैं इसे क्या करता हूँ, रफ करता हूँ। देन तो क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन 11 यदि इन अ फिगर पी क्यू आर रेक्टेंगल है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द रेक्टेंगल। सर वो 12th वन है सर, क्वेश्चन नंबर 12th वन है। ओके ठीक है 12th पढ़ लेते। क्वेश्चन दिया है कि द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल, सॉरी माइनर सेक्टर दिया है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो सिंपल है सर, वो सिंपल ही है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल इक्वल टू वन 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल थीटा भी दिया है, कितना है 36 डिग्री। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, फाइंड द एरिया ऑफ रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, रेडियस रेडियस आर कुछ नहीं बट व्हाट सॉल्व करें, कितना सिंपल। अब मैं ए क्या दिया, हो गया फार्मूला से, हो गया फार्मूला से, हो गया सेंटीमीटर सर रेडियस एरिया ऑफ माइनस फार्मूला 3.5 एरिया ऑफ माइनस, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मींस व्हाट, व्हाट इज द ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर सर वो इधर 369 36 या एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर मींस एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर इनटू पाई आर स्क्वायर आई पुट द वैल्यू ऑफ दिस थीटा एंड एरिया एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसमें 100 करना है ना सर, क्योंकि उसको 3.85। हां तो कर लीजिए 100, क्या कोई प्रॉब्लम थोड़े है। तो सॉल्व कर लिए आर इक्वल टू व्हाट 3.5 सेंटीमीटर। देखिए आंसर ये है, आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिखो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। ओके देन पुट द वैल्यू ऑफ हियर थीटा, थीटा इक्वल टू व्हाट 36 अपॉन 360 डिग्री इनटू 22 अपॉन 7 इनटू आर स्क्वायर 10 एरिया ऑफ, एरिया ऑफ आपको दे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 3.85 इक्वल टू 36 अपॉन 360 इनटू 22 अपॉन 7 इनटू आर स्क्वायर। यहां से कैंसिल हो गया तो पेन हो गया, हो गया और यहां से थोड़ा सिंपलीफाई कर लीजिएगा तो ये कितना है 385 अपॉन 100 इक्वल टू 36 सॉरी 1 अपॉन 10
थोड़ा सा स्पष्ट लिख लीजिए, नीट एंड क्लीन लिख लीजिए, आपको दिखेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। एक जीरो से इधर से जीरो भी कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आएगा तो आप कर लीजिए, दिस इंप्लाई 385 इंटू 10 इंटू 7 अपॉन 100 इंटू 22 इक्वल टू आर। एक जीरो से जीरो कैंसिल, और कैसे कैंसिल हो जाएगा, 11 से 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 से कैंसिल करेंगे तो कितना है 3 और 5, इसको 11 से कैंसिल करेंगे तो 2 और ये 10 हो गया, तो इसको ये हो गया 2 और ये हो गया 7, तो आपका आर स्क्वायर इक्वल टू 49 अपॉन 4 r equal to root under 49 upon 4 equal to 7 upon 2 equal to 3.5। सर हम वैसे भी कर सकते हैं ना, उधर 385 को डिवाइड करवा इनटू मल्टी 10 से मल्टीप्लाई करने की बजाय वैसे ही रख कर। हाँ कर सकते हैं, ओके, जैसे भी सिंपलीफाई करना होगा, सिंपलीफाई करने के तो बहुत सारे आपका जैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे थोड़े है कि आप मैं ऐसे किया, आप कैसे सिंपलीफाई करने आना चाहिए, ये आपको सिंपलीफाई करके यहाँ से सिंपलीफाई करके आपको आर निकालना है बस, और 3.5 आना चाहिए बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था संतनु, प्रैक्टिस करिए, थोड़ा मल्टीप्लीकेशन डिविजन आप सॉल्व करिए। हो गया, एक मिनट, रात को ठंड लगा के सो रहे थे थोड़ा सा। चलिए हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि इन अ फिगर PQR इज क्या है, रेक्टेंगल है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द रेक्टेंगल PQRS, फिर आपका होगा PQRS, हो गया, तो ये आपका हो गया PQRS, ओके। इफ PQ इक्वल टू कितना है, PQ चलिए PQ इक्वल टू लिखिए 14 सेंटीमीटर एंड QR इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ एरियाज ऑफ द पार्ट x बार एंड फाइंड द एरियाज ऑफ द पार्ट ऑफ द पार्ट क्या क्या x कॉमा y एंड z। अब x क्या है, पहले x देखो, ए पॉइंट आपका x, यहां से पॉइंट आ गया, ये आपका x हो गया, एक z हो गया और एक y हो गया, चलिए सब 90 डिग्री, रेक्टेंगल है तो ईच एंगल 90 डिग्री होगा, पकड़िए, रेक्टेंगल है तो ईच एंगल 90 डिग्री हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल 90 डिग्री है, दिस एंगल 90, ओके यस। तो नीचे वो है, ए आपको दिया है क्या, ये पॉइंट दिया है M और ये पॉइंट वो नहीं दिया, वो नहीं दिया सर, जरूरत भी नहीं है। PQ इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड QR ए आपको दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, ए 21 सेंटीमीटर दिया, तो ए रेडियस ए आपको कितना है, ये आपका ये पॉइंट है, यहां से अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो आपका ये
ए सेक्टर बनेगा तो ए वाला और ए पार्ट इक्वल होगा, तो ए भी आपका 14 सेंटीमीटर होगा, ये आपका 7 सेंटीमीटर होगा, ये आपका 7 सेंटीमीटर होगा और ये आपका 7 सेंटीमीटर सर। हां लेकिन सर हम पूरे गारंटी के साथ कैसे कह सकते हैं कि QEM = 40 सेंटीमीटर? कौन सा QEM? हां QEM 40 सेंटीमीटर क्यों होगा कि ए पार्ट, ए पार्ट जो है ए पार्ट और ए ए ए इसके मिड पॉइंट पर कट कर रहा है, क्योंकि टोटल सम कितना होना चाहिए 21 सेंटीमीटर ना सर। क्लियर इसमें दिया नहीं है, लेकिन ये जो पॉइंट होगा उसको क्लियर थोड़ा सा स्पष्ट होना चाहिए क्वेश्चन में, देखो क्लियर नहीं किया क्वेश्चन में, लेकिन ये डिस्टेंस आपका 14 सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर तो बोर्ड पर ऐसा कुछ आता है कि नहीं आता है तो उसमें क्लियर लिखा रहेगा ना, वहाँ क्लियर थोड़ा बुक में थोड़ा इधर उधर है, क्लियर नहीं है लेकिन वो 14 सेंटीमीटर बोर्ड में आएगा तो क्या वहाँ बोर्ड के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, बोर्ड के क्वेश्चन एक लोग ने एक टीचर थोड़े चेक करते हैं, कई टीचर क्वेश्चन चेक होने के बाद तब फाइनल डिसीजन होता है, ऐसे थोड़े बोर्ड का सर मतलब वेस्टिट तो ऐसा या क्वेश्चन तो हम 7 सेंटीमीटर कैसे लेंगे क्या 7 सेंटीमीटर कैसे लेंगे ऐसा हां ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ये आपको दिया है ना क्वेश्चन इन्हें फिगर तो क्या दिया है, फिगर में आपको दिया है तो ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट आपको दिख नहीं रहा है, ये मिड पॉइंट को कट कर रहा है, लेकिन सर हम इधर से ना होकर आ रहे हैं तो सर वो बताया नहीं ना इधर तो हम कैसे आरएम तो सर सेंटीमीटर भी नहीं लगता ना कौन सा आरएम मतलब आप एम की जो वैल्यू ली वो सेंटीमीटर भी नहीं लगता ना मतलब हां आरएम ना ए 7 सेंटीमीटर हां मतलब आप क्या कह रहे हैं कि मिड पॉइंट को कट हो रहा है ए भी ए ए ए पॉइंट आपको फिगर में देखकर एक थोड़ा इसमें क्लियर इसको बोलना चाहिए पॉइंट कहां पर है तो आपको क्लियर चल पता चल जाता है। सबसे पहले आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालिए, सबसे पहले इधर गिवन नहीं तो हम कैसे ले सकते हैं, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे ना, नहीं वो कॉमन फिर इधर ए 7 सेंटी नहीं होगा तो दूसरा कुछ लेंगे तो सॉल्व ही नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं अगर दूसरा कुछ भी लेकर सॉल्व करना चाहेंगे तो नहीं सॉल्व होगा, एक क्वेश्चन बार बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 294 चलिए ठीक है, तो एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लिखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू ए सॉल्यूशन लिखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी, एल इंटू बी तो कितना आ गया 7 इंटू 14 इंटू 21 मल्टीप्लाई किए कितना आया मल्टीप्लाई किए 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आपका एरिया निकल गया, रेक्टेंगल का एरिया तो पूछा नहीं है लेकिन निकाल लिया हम लोग रेक्टेंगल का एरिया। अब हम x पार्ट निकाल सकते हैं, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 14 रेडियस आपका 14 होगा, और वैसे भी हम कंसीडर सकते हैं ना मतलब उसका एक रेडियस 14 है तो दूसरा भी 14 हो सकता है ना, हां तब 14 होगा ही, हां तो पर वो 7 आएगा ना तो हम अरे लेकिन वो उधर सर कंडीशन है म्हणजे ये 14 है तो दूसरा पण 14 च असणार बरोबर आहे की पण आज जर थोडा असेल तर गारंटी देऊ शकू म्हणू शकत नाही ना, नहीं गारंटी यहां पर ये दिया एक जैसे आपको आर्क दिया ये आर्क होगा ऐसे आर्क होगा आपने ब्लॉक किया ऐसे ब्लॉक किया हां तो ए लेंथ फिक्स होता है ये जो ये सेंटर होगा तो ए अगर 14 होगा तो ये भी 14 ही होगा, हां रेक्टेंगल ए तो ए फिक्स होता है सर्कल निकालने के लिए सेक्टर निकालने के लिए, अगर ए 14 होगा तो दूसरा पार्ट भी 14 ही होगा, ये सही बोल रहा है ए 14 हुआ तो ये भी 14 ही होगा, ये तैयार तो ऐसे दिखने लगेगा, एक आपने ऐसे बनाया और एक आपने ऐसे बनाया ऐसे थोड़े हाथ होगा, ऐसे थोड़े हाथ होगा तो सेंट्रल लिंगल तो इंक्रीज हो जाएगा या कम, ए लाइन बड़ी होगी, ए लाइन आपने ड्रॉ किया बड़ी और ए लाइन तो ये तो एंगल इंक्रीज हो जाएगा तो सेंट्रल एंगल फिक्स नहीं हो पाएगा, तो अगर ए 14 होगा तो ये भी 14 होगा, तो ए 7 होगा तो ये भी 7 होगा, तो ए 14 होगा तो ये टोटल साइड कितना दिया है ए 21 है, ए 21 सेंटीमीटर तो मिड पॉइंट होगा ना सर, सही है
धन्यवाद, अब क्लियर हो गया। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एक्स पार्ट, तो लिखिए एरिया ऑफ सेक्टर एक्स पार्ट का, एरिया ऑफ सेक्टर एक्स पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एक्स पार्ट इक्वल टू क्या होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा 90 डिग्री 36 डिग्री इनटू आर पाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, 22 अपॉन 7 इनटू 14 इनटू 14 7 7 तो 14 से 7 से 14 कैंसिल हो गया 2 और यहां से कैंसिल हो गया 4, देन सिंपलीफाई हियर, दिस इंप्लाई 1 अपॉन 4, दिस इंप्लाई ये इक्वल साइन है 1 अपॉन 4 इनटू 22 इनटू 2 इनटू 14, यहां से 2 से 2 कैंसिल, 4 से 2 कैंसिल, आई स्क्वायर से कैंसिल कर दीजिए तो 7, तो कितना है 22 इनटू 7 हाउ मच 4 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, एरिया x पार्ट के लिए, x पार्ट के जो यहां तक सॉल्व करी, पहले इसको सॉल्व करी तो आपका x आंसर मैच करी, x पार्ट का एरिया आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हां सर, ओके। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करिए, आगे नेक्स्ट पार्ट के एरिया, इधर मैं रफ करूं थोड़ा सा, तो देन एरिया इसको रफ करता हूं, एक्स पार्ट का एरिया हम लोग निकाल देते हैं, देन फाइंड द एरिया ऑफ एक्स पार्ट, एरिया ऑफ एक्स पार्ट, तो एरिया ऑफ एक्स पार्ट, सॉरी एक्स तो निकाल लिया, वाई पार्ट ना, वाई पार्ट इक्वल टू क्या होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है आपका, 90 अपॉन 360 डिग्री इनटू 22 अपॉन 7 इनटू 7 इनटू 7, यहां से कैंसिल हो गया 4, यहां से कैंसिल हो गया 7 से 7, यहां 2 हो गया, यहां 11, तो आपका 77 अपॉन 2 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करिए, देन 38.5 तो ये आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ, तो उसका कैसे करें, मतलब उसका माइनस करेंगे ना, रेक्टेंगल के एरिया में से दोनों को ऐड करके सबट्रैक्ट कर देंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ वाई पार्ट, एरिया ऑफ वाई हो गया जेड, एरिया ऑफ जेड पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ पार्ट, रेक्टेंगल रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ पार्ट एक्स, एरिया ऑफ पार्ट, एरिया ऑफ एक्स पार्ट प्लस एरिया ऑफ, सर माइनस होगा ना, एरिया ऑफ वाई, सर आ गया माइनस लिखे है ना, दिस इंप्लाई ये कितना एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है था, हाउ मच एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 294 94 माइनस
154 प्लस 38.5 तो 294 माइनस स्क्वायर 192.5 माइनस के तो कितना आया 101.5 सेंटीमीटर पीछे आंसर है ये आपका सॉल्व हो गया तो एक्स भी निकल गया वाई भी निकल गया एंड जेड भी निकल गया ऑनलाइन में कहां समझ में आएगा सर इक्विलेटरल ट्रायंगल फार्मूला वही होता है ना अंडर रूट डीएस इज ब्रैकेट इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला वो थोड़े होता है इक्विलेटरल फार्मूला क्या होता है किसको पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हाफ इनटू एल इनटू जनरल ट्रायंगल का फार्मूला आपने बताया था वो रूट अंडर रूट अंडर थ्री अपॉन फोर साइड स्क्वायर होता है फॉर्मूले याद नहीं रहता कैसे क्वेश्चन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल रूट अंडर थ्री अपॉन फोर साइड स्क्वायर नहीं सिर्फ रूट अंडर थ्री अपॉन फोर साइड इंटू साइड नहीं ऐसे होता है रूट अंडर थ्री अपॉन फोर साइन टू साइड स्क्वायर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू होता है रूट अंडर थ्री अपॉन फोर साइड स्क्वायर ओके देन हाँ बात अगर अंडर रूट थ्री होता हाँ और नीचे का फोर हमने सिंपलीफाई करके काट दिया किस से हाँ हाँ कट गया राइट हाँ ओके अंडर रूट थ्री इनटू टू हो सकता है क्या कैसे टू हो सकता है नहीं ना हो सकता नहीं एरिया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है इसको थोड़े से इसको कोई नहीं सर वो मैं क्या बोल रहा हूं हां 3 है और रूट अंडर 3 है हां और आगे 2 करो इनटू 2 करो हां तो हो सकता है क्या हां हो सकता है साइड का स्क्वायर करना होगा 2 रूट 3 हो सकता है इससे कुछ नहीं प्रॉब्लम हां सिंपलीफाई करने के बाद 2 रूट 3 आ सकता है नो प्रॉब्लम हम 3 से 2 को नहीं मल्टीप्लाई कर सकते नहीं नहीं ये रेशनल नंबर ये रेशनल नंबर है ये इरेशनल नंबर एक रूट ए आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं 6 हां वही पूछ रहा हूं ऐसे नहीं लिख सकते हैं रेशनल नंबर इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते उसको 2 रूट 3 लिखेंगे चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है कि इन रेक्टेंगल एल एम एन ई यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है रेक्टेंगल तो पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए इस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल साइड इक्वल होते हैं ओके तो आपका होगा एल एम और एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एल एम दिया है एल एम साइड है एल एम ए आपका दिया है 14 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर थ्री सेक्टर आर शोन आर ड्रॉन विथ Vertices at the center and radius 7 cm. Fine. तो ये आपका यहाँ से radius बोला है 7 cm. ऐसे फिर इसको ले गया ऐसे थोड़ा सा कुछ ऐसे पार्ट आ गया चलिए ठीक है तो आपसे पूछा है फर्स्ट फाइंड क्या फाइंड करना है रेडियस दिया रेडियस ऑफ रेडियस आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल
14 सेंटीमीटर ट्रायंगल इक्वल टू 14 सेंटीमीटर तो क्या फाइंड करना है फर्स्ट क्या फाइंड करना है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एल एम एन सेकेंड क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर एंड थर्ड क्या फाइंड करना है टोटल एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर एंड थर्ड फोर्थ क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन शेडेड रीजन लीजिए ये सारे चीज आपको फाइंड करना है तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल सॉल्व कर लेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड कर लेंगे चलिए यहां सोल्यूशन लिख दे रहा हूं सोल्यूशन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/4 एरिया ऑफ इक्वी लेटरल ट्रायंगल एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 इनटू साइड स्क्वायर तो √3/4 इनटू 14 इनटू 14 ओके ये 2 से कैंसिल हो गया और 7 और ये 2 से कैंसिल हो गया कितना है 7 तो आपका आ गया 49 root 3 सेंटीमीटर स्क्वायर 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर सर √3 का वैल्यू कन्वर्ट कर लीजिए √3 का वैल्यू क्या होता है 49√3 1.732 मल्टीप्लाई करिए 73 हो सकता है 732 बस इतना ही हो गया मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा मल्टीप्लिकेशन रूट जल्दी मल्टीप्लाई के रूट अंडर सॉरी 49 इनटू 1.73 का मल्टीप्लिकेशन करिए कितना होगा 84.86 कितना आ गया 84.86 द एरिया ऑफ इक्वी लेटरल ट्रायंगल एरिया ऑफ इक्वी लेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 84.87 सेंटीमीटर स्क्वायर 87 सेंटीमीटर स्क्वायर ओके ये दिख नहीं रहा है 84.87 सेंटीमीटर ओके तो आपका आ गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अब हमें क्या बोला है किसी एक पार्ट का सेकेंड पूछा है एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर इसका रेडियस कितना दिया 7 सेंटीमीटर हाँ, हाँ. तो सेक्टर का फॉर्मूला ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल व्हाट मेजरमेंट 60 डिग्री ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री ओके तो सेंट्रल एंगल इज व्हाट 60 डिग्री रेडियस इज 7 सेंटीमीटर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर तो लिख लीजिए एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर चलिए तो लिख लीजिए एरिया ऑफ सेक्टर इसे रब करता हूं थोड़ा सा तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू θ/360 इनटू पाई आर स्क्वायर तो 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इनटू 22/7 इनटू 7 इनटू 7 देन सॉल्व 0 तो यहां से कैंसिल हो गया तो 6 हो गया 7 से 7 कैंसिल हो गया
और यहाँ से कैंसिल हुआ तो 3 और यहाँ से कैंसिल हुआ तो 11, तो आपका होगा 77/3 मीन्स कितना 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया तो यहाँ से कैंसिल 2 से तो 3 हो गया। चलिए हो गया ना, 2 मिनट नोट कर लीजिए। अब टोटल एरिया ऑफ द ऑल थ्री सेक्टर, एक सेक्टर का इतना है तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 × 25.6 हाँ लिख लीजिए, एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर इक्वल टू आपका सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट लिखिए, एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर इक्वल टू 3 × 25.67 तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आया 77.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके एंड फोर्थ पार्ट क्या पूछा है, शेडेड पोर्शन, तो लिखिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स, तो ऑल थ्री सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल से माइनस में इन दोनों का ऐड करेंगे तो ज्यादा होगा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना आएगा 84.87 सही है, माइनस माइनस करना था तो टोटल क्वेश्चन हो गया ना, हो गए तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए। सर बाकी का नहीं है ना, 3 भी नहीं है ना, वो सेगमेंट ऑफ है ना, सेगमेंट है। इसे पहले नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 बस 4 तक लेके आइए, 5 तक सॉल्व करके लाएंगे। 5 तक प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सॉल्व करके लाएंगे, कल डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेगमेंट